हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती संबंधी सभी जो परीक्षाएं लंबित हैं पिछले कई वर्षों से या परीक्षाओं का आयोजन सही समय पर नहीं हो पा रहा है, आप सभी के लिए यहां पर एक बड़ी खबर यह है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक यहां पर निर्णय लिया गया है। हाल ही में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के मसौदे में उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के यहां पे गठन की बात की है और इस आयोग के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश में शिक्षक और उससे संबंधित भर्ती परीक्षाओं को लेकर के यहां पर पूरी क्लैरिटी लेकर आई जाएगी। इस आयोग को यहां पे कार्य सौंपे जाएंगे और ये आयोग यहां पर सभी यहां पर प्रक्रियाओं को निस्तारित करेगा। तो आज हम यहां पे समझेंगे कि क्या है इस आयोग से संदर्भित सभी पहलुओं को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी यहां पर संगठन की स्थिति, क्या प्रारूप यहां पर विधेयक में रखा गया है और क्या क्या यहां पर इसके पास जिम्मेदारियां होंगी, किस किस तरीके के एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे और अब तक जो आयोग यहां पर शिक्षक संबंधी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के गठित हैं उनका क्या होगा। देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा UPESSC के यहां पर गठन की बात की गई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, अब इसके गठन को लेकर फाइनली यहां पे जो प्रारूप है वो विधेयक में यहां पे रखा गया है। जो प्रारूप यहां पर हम बात कर रहे हैं कैसा होगा, तो यहां पे देखिए जो प्रारूप है, यहां पे एक अध्यक्ष इसमें रखोगे और 12 अन्य सदस्य यहां पर होंगे। ठीक है, और ये जो 12 सदस्य होंगे वो 6-6 सदस्य जो होंगे, इनमें से 6 सदस्य आपको माध्यमिक और 6 सदस्य आपके उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इसका मुख्यालय जो होगा वो प्रयागराज में बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसके जो कार्य होंगे वो राज्य में उच्च माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों की भर्ती का कार्य से सौंपा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा तीनों ही स्तरों की शिक्षण भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जो भी परीक्षाएं होंगी, जो आयोजन होगा, जो भर्ती होगी, वो अब यहां पर सिर्फ एक ही आयोग के माध्यम से किया जाएगा। अब जो अलग अलग यहां पर अभी तक आयोग थे उन सबको यहां पर हटा करके एक आयोग गठित किया जा रहा है। इनके कार्यकाल के संदर्भ में बताया जा रहा है 5 साल का कार्यकाल इनका हो सकता है। आइए बात करते हैं कि यहां पर इस आयोग को जो काम सौंपे जाने की बात की गई है, किस किस तरीके की परीक्षाएं इनके द्वारा आयोजित की जाएंगी। देखा जाए तो UPSSC जो है विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न विधाओं की परीक्षाओं को आयोजन करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जा सकती है। इनमें विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी स्तर के यहां पर जो भी विधाएं हैं या शिक्षण भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो इनको सौंपी जाएंगी। इसके अलावा शिक्षकों के अंतर्गत देखा जाए जो TGT, PGT, PRT, खेल कला से संबंधित जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, उससे संबंधित जो परीक्षाएं आयोजित की जानी है वो भी इस आयोग के द्वारा यहां पे आयोजित की जाएंगी। साथ ही इसमें देखा जाए तो जो फैकल्टी होती हैं, जैसे कि प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, इनकी नियुक्ति संबंधी परीक्षाएं भी इनके द्वारा आयोग के द्वारा आयोजित की जाएंगी। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की पात्रता परीक्षाएं जैसे कि UP TET, Super TET इत्यादि की का भी आयोजन जो है इसी आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर शिक्षण और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, पात्रता परीक्षाएं हों, किसी भी तरीके से शिक्षण संबंधी यहां पे कोई भी परीक्षा है वो सभी का जो आयोजन है वो कौन करेगा, UPESSC के द्वारा किया जाएगा। देखा जाए तो यहां पर इस आयोग के गठन के उद्देश्य क्या है, क्यों लाया जा रहा है इस आयोग, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहां पे आयोग का गठन है। उच्चतर शिक्षा भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ है, माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद यहां पर है, बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर है और सभी यहां पर अपने अपने स्तरों पर अपने क्षेत्रों का काम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन परीक्षाओं के आयोजन में कई बार यहां पर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तारीखें यहां पर देखा जाए जो एग्जाम की होती हैं उसमें समस्याएं आती हैं, सही समय पर एग्जाम क्लियरेंस नहीं होता है, पारदर्शिता की कमी है और ऐसी कई सारी समस्याएं जिसका नुकसान जो होता है अभ्यर्थियों को होता है। तो यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य यहां पर है कि प्रदेश की विभिन्न शिक्षा भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग आयोग और बोर्डों के स्थान पर एक ही आयोग का गठन करना। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि इसमें इसके कारण जो है अन्य जो लाभ यहां पर आपको मिलेगा, जो परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें वो ये होगा कि जो परीक्षार्थियों को तारीखों में एक टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ता था, तैयारी के लिए यहां पर कम समय मिलता था क्योंकि एक के बाद दूसरी परीक्षा आ जाती थी, अलग अलग यहां पे वेबसाइट पर उनको आवेदन करना पड़ता था, अपडेट जानने जैसी कई सारी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था,
ये सारी समस्याएं उनको समाप्त हो जाएंगी। सारी जानकारी एक ही आयोग, एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी एक समयबद्ध तरीके से यहां पर आयोजित की जाने लगेंगी। तो इससे लाभ जो होगा, यहां पर आपको देखा जाए तो गवर्नेंस, प्रशासन, पारदर्शिता, परीक्षार्थियों, हर एक स्तर पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस आयोग के गठन के साथ ही कुछ आयोगों की यहां पर आपको समाप्ति भी हो जाएगी। इनमें से दो आयोग की यहां पर देखा जाए समाप्ति हो रही है। एक यहां पर देखा जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और दूसरा है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। इन दोनों के अस्तित्व यहां पर आपको इस आयोग के गठन के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बाकी जो है परिषद अपने एकेडमिक कार्यों को यहां पर पूरा करते रहेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं उच्चतर शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड के बारे में, आयोग के बारे में। सबसे पहले देखिए 1980 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई थी और इसमें देखा जाए तो वर्तमान समय में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी तरीके से देखा जाए 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का यहाँ पे गठन किया गया था और इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इनके भी सदस्यों का कार्यकाल आपको 5 वर्ष होता था। लेकिन जैसा हमने कहा कि जैसे ही यहां पर आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, वैसे ही यहां पर देखा जाए इन दोनों आयोग के यहां पे कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। इन बोर्ड को, आयोगों को भंग कर दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो एक समस्या है, इस आयोग के समक्ष भी। कौन कौन सी समस्याएं हैं? शिक्षा और प्रशिक्षण पात्रता परीक्षाओं को लेकर के काफी समय से कोई एग्जाम यहां पर क्लियर नहीं हुआ है और देखा जाए तो वर्तमान समय करीब 1.75 लाख शिक्षक भर्ती जो है अभी भी लंबित है अलग अलग वर्गों, अलग अलग विद्यालयों, अलग अलग स्तरों पर। दूसरी जो समस्या है कि स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की बेहद कमी है जिसे जल्द से जल्द यहां पर इनको पूरा करना होगा। तीसरी जो समस्या यहां पर दिखाई देती है कि शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं का आयोजन सही समय पर किया जाए, उनकी नियुक्ति त्वरित गति से उन्हें प्रदान की जाए, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए इनकी प्रक्रिया, नियुक्ति और परीक्षा के स्तरों में भी सुधार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार यहां पर आपको जो शिक्षा है, जो शिक्षक होंगे उन्हें आधुनिक पद्धतियों से, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से वहां पर उन्हें अवगत कराना होगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भर्तियों में भी यहां पर परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षण पद्धति के अनुरूप पाठ्यक्रम व शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किए जाने की भी यहां पर आवश्यकता होगी आयोग के समक्ष और इसे वो कैसे करेंगे, इसमें भी यहां पर सवालिया निशान होंगे। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण भर्ती प्रक्रियाओं के मध्य यहां पर संयोजन स्थापित करना, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आपको बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी के लिए अगर आपको भर्ती खुद ही देखनी है तो आपको एक समय संयोजन स्थापित करना होगा कब यहाँ पर कौन सी परीक्षाएं लेनी है और किस वर्ग के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे परीक्षार्थियों किससे कोई समस्या ना हो, इसके लिए एग्जाम कैलेंडर बनाना, उसके अनुरूप यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित करना, ये सारा काम भी यहाँ पर आयोग के समक्ष आएगा। चलिए बात कर लेते हैं विधेयक के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023। देखा जाए तो इस विधेयक में ही यहाँ पर यूपी ESSC के प्रारूप की यहां पे चर्चा की गई है। अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विधेयक के प्रारूप को यहां पर मंजूरी दे दी है और देखा जाए तो यहां पर इस विधेयक को सदन में रखा गया है। पारित होते ही जैसा हमने कहा तो ये आयोग का यहां पर गठन होगा और इसे ये सारे काम यहां पर करने होंगे। तो जो भी शिक्षण भर्ती प्रक्रियाएं हैं आयोग के गठन के साथ ही यहाँ पर तीव्र गति से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। तो आज के इस सत्र में इतना ही। आयोग से संबंधित आपको देखिए जानकारी जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षण वर्ग के अंतर्गत दी जा रही है। तो आज के इतना ही, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के कुछ और पहलुओं के साथ, कुछ नवीन पहलुओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।